से मिला सर गिरला आपकी नातों से मैं सुन सुन के नात पढ़ना सीखता हूँ आपकी दुआ चाहिए सर सुने मनोवर में मेरे जलसा हमेशा करते हैं, हर साल करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, ये जलसा भी करते हैं। जो रिमाय दीन आए हैं, जो समझाए हैं, जो बोले हैं, उस पर हम लोग अमल करें तो अच्छा होगा। हाँ, इसलिए हम लोग करते हैं, जो कोई अमल करे, बच्चे लोग हैं, नौजवान। इस प्रोग्राम से यानी कि इस जलसा से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप पूरे देशवासियों को? देशवासियों को ये होगा जो हमारे नौजवान है वो इल्म हासिल करेंगे, उसको याद करेंगे, उसको उस पर रास्ता उस रास्ते पर चलेंगे। वो आपकी नूरानी रात हो, महफिल सजी हो आपकी नूरानी रात हो, नाते पढ़ू में वज्द में ये कायनात हो, नूरानी रात हो। खैर मकदम है आपका, हमारी महफिल मुकद्दस में आपने हमारी हौसला अफजाई की है और इन बच्चों की जिन्होंने इस अजीम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, इस प्रोग्राम को मुश्तहिल करना ही आपकी जिम्मेदारी है ताकि ये रसूल पाक के आमद के हवाले कई वर्षों से हमारे जितने बुजुर्ग थे वो करते आए हैं, आज नौजवानों ने इसे उठाया है और जो हमारे 12 रबी अव्वल का ये प्रोग्राम है, अपने हजरत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे उनके मैसेज को, उनके पैगाम को दुनिया को हम बताना चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से, कि जो उनकी ख्वाहिश थी कि सब लोग मिल्लत से रहें, इस्लाम को माने, जो सही ईमान वाले हैं वो इनको अपनाएंगे, ना छोड़े हैं ना छोड़ेंगे, और हर वर्ष आने वाले वर्षों में जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक यह पर्व इसी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा, ये हमारा यकीन है। और साथ में ये मैसेज देना चाहेंगे अपने मुल्क के लोगों को, दुनिया के लोगों को, कि हम ईमान वाले हैं, इज्जत से जीते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, और यही कहना चाहेंगे कि सब लोग एक साथ रहें, मिलकर रहें, तभी देश मजबूत होगा, दुनिया मजबूत होगी और हमारा ईमान मजबूत। यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में क्या कुछ कहेंगे? हमारे गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों बड़े मिलकर रहते हैं। मैं यहीं के क्यों कहूँ, हमारे पूरे सिवान में आप जाइए, अमन और चैन मिलेगा आपको। हिंदू और मुस्लिम सब साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के पर्व को मिलजुल कर मनाते हैं और मिलजुल कर मनाते रहेंगे। अपना परिचय दे दें। मैं परवेज अहमद यहीं के निवासी हूं और डायरेक्टर ग्लोबल पब्लिक स्कूल हुसैनगंज।